महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप, सेना या कश्मीरियों से सिर्फ चुनाव जीतने से है मतलब। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी हुई है और कई बड़े नेता अभी तक हिरासत में नजरबंद है। इसी बीच ब्लॉक विकास परिषदों के चुनावों का ऐलान भी कर दिया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और नजरबंद नेता महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और आरोप लगाया है कि पार्टी को ना ही सेना के जवानों की चिंता है और ना ही कश्मीरियों की, उसे सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सेना वो यहां से पाकिस्तान की ओर से आंशिक हमले की वजह से नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए है। सेना की प्राथमिक जिम्मेदारी विरोध के स्वर को कुचलने की जगह सीमाओं को सुरक्षित रखने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए जवान कार्ड का इस्तेमाल करती है और उनके बलिदान को हाईजैक करती है, लेकिन सच यह है कि अगर कश्मीरियों को जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है तो सेना भी घाटी में तनाव रोकने का मोहरा बन गई है। सत्ताधारी पार्टी को ना जवानों की चिंता है और ना ही कश्मीरियों की, उनका ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने पर ही है।